पर इस बार भी केपी यादव जैसे ही कोई अच्छा योद्धा आएगा और बाकी समझ जाओ आप। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी हलचल अपने चरम पर है। मध्य प्रदेश की राजनीति पर लोकसभा चुनावों का रंग तेजी से चढ़ रहा है। रोज नई सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। ऐसे में खबर मध्य प्रदेश से है, जहां केपी यादव को ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार को बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। इसमें कई बड़े चेहरों का पत्ता साफ हो गया। बीजेपी की पहली लिस्ट में मध्य प्रदेश की 29 में से 24 सीटों पर प्रत्याशी के नामों की घोषणा की गई। इसमें गुना सीट पर बदलाव काफी चौंकाने वाला रहा। गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से इस बार बीजेपी ने केपी यादव का टिकट काट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भरोसा जताया है और उन्हें इस सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी बीच सिंधिया के गढ़ में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान सियासी पारा चढ़ा रहा है। दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के गुना सांसद केपी यादव को लेकर दिए जा रहे बयान के सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुना जिले में प्रवेश कर चुकी है और इसी को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उस दौरान गुना लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर पूछे एक सवाल पर उन्होंने कहा, इस बार तो सिंधिया के सामने केपी यादव जैसा योद्धा ही आएगा, बाकी समझ जाओ आप। अब इस बयान के सियासी मायने तलाशे जाने लगे हैं। जीतू पटवारी के बयान के बाद अटकलों को और बल मिला है कि गुना सांसद केपी यादव कांग्रेस प्रत्याशी हो सकते हैं। बता दें बीते लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस से मैदान में थे तब बीजेपी ने केपी यादव पर दांव लगाया था और सिंधिया को पटखनी दी थी। अब सिंधिया बीजेपी में है और गुना से उम्मीदवार तय किए गए हैं, तो अटकलें लग रही है कि केपी यादव कांग्रेस के बीच कुछ तो पक रहा है। बता दें कि गुना सांसद केपी यादव पहले कांग्रेस में ही रहे हैं। केपी यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रतिनिधि थे। 2019 में सिंधिया के खिलाफ बीजेपी ने केपी को उतारा था, तब उनकी सिंधिया के साथ सेल्फी लेने की तस्वीरें जमकर वायरल हुई थी। केपी यादव के नेटवर्क और बीजेपी की रणनीति ने गुना में बड़ी जीत दर्ज की थी। केपी यादव का बयान भी सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में गुना में सिंधिया के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने की बात बेकार है। पार्टी ने जो निर्णय लिया है मैं उसका स्वागत करता हूं। यादव ने साफ शब्दों में कहा कि मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। बता दें कि गुना सांसद केपी यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच के मनमुटाव की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। सिंधिया के गुना क्षेत्र में सक्रिय रहने से केपी यादव की पूछ परख कम हुई है। हाल ही में जिस काम का लोकार्पण सिंधिया को करना था उसे सांसद यादव लोकार्पित कर आए थे। इसके अलावा दिल्ली में भी उन्हें उतनी तवज्जो नहीं मिल रही। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस उनसे संपर्क कर सकती है और सिंधिया के खिलाफ मैदान में उतार सकती है। उन्हें लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हमदर्दी भी जताई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।